सो वेलकम बैक टू फेलोज। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सेल के अंदर पैलिंड्रोम नंबर कैसे निकाले। देखो, पैलिंड्रोम नंबर आपने कोडिंग्स के अंदर सीखा होगा कि हम पैलिंड्रोम नंबर निकालते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब बता देता हूँ पहले क्या होता है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि उल्टा सीधा एक बराबर, जैसे 1 2 3। 1 2 3 का उल्टा क्या होता है? 3 2 1। तो 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 3 2 1। तो यहाँ पे आ गया नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। पर 1 2 1, 1 2 1 का उल्टा क्या होएगा? 1 2 1 ही होएगा। तो 1 2 1 इज इक्वल्स टू 1 2 1। तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, जैसे कि 1 1 1 उल्टा सीधा एक बराबर है, तो ये पैलिंड्रोम। तो ये पैलिंड्रोम नंबर्स एक्सेल के अंदर हम कैसे निकाले, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंटरव्यू में हमें कहा गया था कि इस नंबर्स को हमें यहाँ पे पैलिंड्रोम है या नहीं यहाँ पे हमें शो करना है। तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी कि हमें कोई फंक्शन का यूज करके हमें इसका पैलिंड्रोम निकालना है। तो हमने इसको सिंप्लिसिटी को रखने के लिए हमने यहाँ पे तीन तीन कॉलम बना दिए। और मैंने तीन ही क्यों बनाए, क्योंकि तीन तीन का ही यहाँ पे डिजिट्स है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा 1 1 एंड 3। ये लिखने के बाद मैं इसको डाउन तक जाऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल ई से फ्लैश फिल कर दूंगा। तो स्टार्टिंग जो ये डिजिट थे 1 3 1 1 1 3 1, ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। अब सेकेंड नंबर हमें लिखना है 2 2 2 1 2। लिखने के बाद डाउन तक जाना है और हमें यहाँ पे फ्लैश फिल कर देना है, यहाँ पे फ्लैश फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट डिजिट के लिए 3 1 5 1 लिखने के बाद आपको इसे ड्रैग कर देना है और कंट्रोल प्लस ई फ्लैश फिल कर देंगे। तो देखो, आपने 1 2 3 अलग अलग सेल्स के अंदर अपने यहाँ पे ले लिया है और अब हमें इसको करना है कंबाइन। तो इंसर्ट एको कर लेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे इसके। इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इक्वल वैल्यू, वीलुकअप हो गया इक्वल वैल्यू। अब वैल्यू क्या करना है, इस 3 एंड 2 एंड 1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखो 1 2 3 का यहाँ पे 3 2 1 बन चुका है और हमें यहाँ पे इसको डबल क्लिक नीचे कर देना है। देखो 1 2 1 का 1 2 1 ही शो कर रहा है, 3 2 5 का यहाँ पे 3 2 5 उल्टा हो चुका है। अब हमें नॉर्मली क्या करना है, इक्वल इफ अगर A1 सेल इक्वल होता है इस E1 सेल के, E2 सेल के, A2 इक्वल होता है E2 के, A2 इज इक्वल टू E2, तो यहाँ पे लिखा जाए पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर हमें यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे नोट अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे आ चुका है पैलिंड्रोम नंबर। जो उल्टा सीधा ही बराबर था वहां पर पैलिंड्रोम नंबर, और जहां पर उल्टा सीधा ही बराबर नहीं था वहां पर आ चुका है नोट ऑफ पैलिंड्रोम नंबर। अब हमें क्या करना है, जो कॉलम्स हमने हेल्पर कॉलम बनाई थी इस पे सेलेक्ट करके हमें इसको कर देना है हाइड, राइट क्लिक करके हाइड कर देना है। और अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो कि आके पैलिंड्रोम नंबर को, आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दोगे फटाफट करने के लिए, नहीं तो आप कंटेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज भी कर सकते हो। पर मैं फिलहाल यूज करूंगा फिल्टर्स का। पैलिंड्रोम नंबर्स देखने हैं और अब कर दूंगा कंट्रोल प्लस ए यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ पे कोई भी एक लाइट कलर मैं यहाँ पे चूज करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने ले लिया है ग्रीन कलर। और यहाँ से फिल्टर मैं हटाने की कोशिश करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल। तो जहाँ पर भी एक पैलिंड्रोम नंबर था वो सारे यहाँ पे हाईलाइट होके हमें शो कर रहा है। सो आई होप आप सभी को ये एक्सेल के अंदर पैलिंड्रोम नंबर और निकालना समझ में आया होगा। सो डेट इज़ व्हाट टुडे गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।